हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के पूजा की आसनी बताने जा रही हूँ जिसमें बैठ के पूजा किया जाता है। ये ऊन का बना होता है तो सभी लोग इसको बहुत ही लाइक करते हैं। तो चलिए अब बताते हैं। वैसे तो हम ये पुराने ऊन से बनाए हुए हैं। ये एक स्वेटर ब्लैक कलर का था, एक फिरोजी कलर का था। दोनों स्वेटर खोल के उसको डबल करके हम इसको बनाए हुए हैं। अगर आपके घर में भी अगर स्वेटर पुराना हो जो यूज ना होता हो तो उसको खोल के बनाएं, नहीं तो बचे खुचे ऊन से देखिए जितना कलर हम लगाएं, थोड़ा थोड़ा ये बचा खुचा ऊन था, इसको सब हम लगा के ये तैयार कर दिए हैं। अब ये देखिए कैसे बनाया जा रहा है। सिलाई पर ये 7 नंबर की सिलाई है, देखिए ये मोटी सिलाई रहेगी तो आपको बुनने में बहुत आसानी रहेगा। ये 7 नंबर की सिलाई पर 65 फंदे हम डाल दिए हैं और यहाँ 10 सिलाई हम एक सिलाई उल्टा एक सिलाई सीधा एक सिलाई उल्टा एक सिलाई सीधा बीने हैं। ये देखिए उल्टा बॉर्डर बना दिए हैं पहले, ये 10 सिलाई का बॉर्डर है। ये बॉर्डर बनाने के बाद से अब ये यहाँ जो है 5 सिलाई बना दी हैं। 5 सिलाई के बाद ये डिजाइन डाल देंगे। अब डिजाइन देखिए कैसे बन रहा है। इसमें हम ब्लैक कलर लगाए हुए हैं, एक ब्लैक है और एक फिरोजी है। दोनों कलर से एक फंदा जैसे ब्लैक बनाएंगे, एक फिरोजी बनाएंगे, फिर एक ब्लैक बनाएंगे, फिर एक फिरोजी बनाएंगे। इसी क्रम से बनाते हुए चले जाएंगे, पूरी सिलाई कर लेंगे हम इसी तरह से। देखिए एक फिरोजी बना रहे हैं और एक ब्लैक बना रहे हैं। इसी तरह से हम 3 सिलाई बनाएंगे, 2 सिलाई बनाएंगे, 3 सिलाई में तो फिर ऊन उधर चला जाएगा तो हम 2 सिलाई बनाएंगे। 2 सिलाई बना, देखिए ये बना हुआ है, ये मेरा इस तरह से हम बनाए हुए हैं। देखिए ये 2 सिलाई का डिजाइन है, एक फिरोजी बनाया है एक सफ़ेद बनाया है, दो सिलाई का है, एक उल्टी और एक सीधी। अब फिर उसके बाद से यहाँ 10 सिलाई बुन लिए हैं, फिर उसके बाद से ब्लैक कलर से डाल दिए हैं। इसके बाद से फिर मेरे पास थोड़ा रेड कलर था, ये देखिए रेड कलर से इसी तरह से बना दिए हैं, इसी तरह से फिर वाइट डाल दिए हैं। इस तरह बदल बदल के जो भी कलर आपके घर में हो उसको बदल बदल के बना के इसको तैयार करिए। बहुत ही अच्छा लगता है, आरामदेह, बहुत ही गर्म करता बैठने पर। अब देखिए ये इसी डिजाइन से ये मैं बनाने का तरीका आपको बता दी हूँ। एक ब्लैक कलर का है और एक फिरोजी है, फिर एक ब्लैक, 2 सिलाई हम इसको बुने हैं, एक सीधा और एक उल्टा, 2 सिलाई हम बुन दिए हैं। ये डिजाइन मेरा तैयार हो गया, देखिए बूटी बूटी पड़ रहा है। ये बचे खुचे ऊन से जितना मेरे पास था हर कलर का ऊन मैं लगा के इसमें बना दी हूँ और ये बहुत ही देखिए कितना सुंदर लग रहा आसनी। जब ये बुन के तैयार हो जाएगा तब उसके बाद से 20 फंदा ब्लैक कलर का पट्टी हम बना लेंगे, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा फंदा डालेंगे एक साथ तो हमको बुनने में बड़ी दिक्कत होती है। ज़्यादा फंदा हो जाएगा सिलाई में तो बुनने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए हम इसको 20 फंदा बाद में डाल के दोनों तरफ से उल्टा, आप कहीं बैठिए टीवी देखते रहिए कुछ भी करिए बनाते रहिए, तो 20 फंदा डाल के ये ब्लैक कलर का ये पट्टी बना के फिर इसमें हम सिल दिए हैं। अब सिलने दोनों तरफ से हम सिल दिए हैं। अभी लंबाई हमारी पूरी हो गई थी तो यहाँ हम बंद कर दिए हैं और इधर भी हम उल्टा बीन दिए हैं कि ये बॉर्डर भी बन गया और ये भी तैयार हो गया। अभी बैठने के लिए पूजा करने के लिए आसनी बहुत बढ़िया तैयार हो गई। इस आसनी में एक डिजाइन आपको और बता रही हूँ जो कि बहुत सुंदर लगेगा उसको बनाने से। एक तो ये है, एक थोड़ा बदल दे रही हूँ। अब देखिए ये डिजाइन बना लिए हैं, 2 सिलाई का डिजाइन था ये, एक फिरोजी है और एक ब्लैक है, एक फिरोजी है एक ब्लैक, ऐसे करके 2 सिलाई बना दिए हैं। अब इसके बाद मेरे पास सफ़ेद ऊन था तो अब सोच रहे हैं इसमें एक और डिजाइन डाल दें थोड़ा अच्छा लगेगा, मोती स्टिच है ये। अब इसमें 4 सिलाई सफ़ेद कलर से सादा प्लेन, 1 सिलाई सीधा 1 सिलाई उल्टा डाल के पूरा 4 सिलाई कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको जो है अब डिजाइन डालना, देखिए अब 3 फंदा सादा, ये 3 फंदा फिरोजी कलर से बुन लिए हैं। अब बुनने के बाद से ये एक फंदे को गिरा देंगे ऐसे, इसको इस तरह से ऐसे ऐसे करके 2 3 1 4 चारों लाइन खोल देंगे। अब खोलने के बाद से इस फिरोजी कलर को वाले फंदे को इसमें डाल के इसको ऐसे गिरा दिया जाएगा। ये देखिए डिजाइन बन गया, ये मोती स्टिच है, ये डिजाइन बन गया। फिर हमको 3 फंदा बीनना है, 1 2 1 3। अब फिर एक फंदे को ऐसे गिरा दिया जाएगा, अब गिरा के इसको खोल दिया जाएगा, इसको पूरा वाइट कलर का ऊन जो है ना पूरा खोल दिया जाएगा। ये खोलने के बाद से इसको हम ये फिर फिरोजी वाले कप में डाल के ऐसे फंदे में इसी फिरोजी ऊन से ऐसे करके ऐसे निकाल दिया, बहुत आसानी से निकल जा रहा है। फिर 3 फंदा बुनना है, 1 2 3।
तीन बुन लेंगे, फिर एक फंदे को गिरा देंगे ऐसे, गिराने के बाद इसको धीरे धीरे खोल देंगे ऐसे, दो एक तीन एक चार, चारों सिलाई फंदे को ऐसे खोल दिए। अब इस फिरोजी वाले में ऐसे सिलाई डाल के और ऐसे फंदा पहना के ऐसे निकाल लिया जाएगा। देखिए ये मोती जैसा सुंदर सुंदर ये डिजाइन बन गया है। अब ये जब कंप्लीट कर लेंगे हम डिजाइन को इसी तरह से पूरी सिलाई बीन के, तो इसके बाद से पांच सिलाई फिरोजी बीन के, फिर इस तरह से ब्लैक ऊन से एक एक फंदे वाली डिजाइन हम कंप्लीट कर ऐसे इसी तरह से बीनते चले जाएंगे। फिर कहीं लाल कलर हो तो उसमें लाल रंग से बना देंगे, कहीं हरे कलर से बना देंगे, पूरा आसनी इसी तरह बनाते चले जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए ये सुंदर कितना सुंदर डिजाइन है ये। इसको आप किसी स्वेटर वगैरह में भी डाल सकते हैं बच्चों के, बहुत सुंदर लगता है। इसी तरह से ये बुन के तैयार हो जाएगा। अब ये हम बना के तैयार कर लिए हैं, ये पांच सिलाई इसके बाद से डिजाइन के बाद से पांच सिलाई हम बना लिए हैं। अब इसी में एक बचे खुचे ऊन का जो आपके पास जो बचा उचा ऊन है उससे आप डिजाइन डाल दें। अब ये डिजाइन सफ़ेद कलर से हम इसमें और डाल दे रहे हैं जिससे और आसनी खूबसूरत लगे। अब ये चार सिलाई हमको इस सफ़ेद कलर से चार सिलाई बुनना है, ऐसे देखिए सीधा बुनना है, सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा, ये सीधे में सीधा बुनेंगे। इसी तरह से चार सिलाई हम बुन लेंगे, फिर डिजाइन बता रहे हैं कि कैसे बनाया जाएगा। अभी डिजाइन बताएंगे, अभी आप चार सिलाई पहले बना लें। देखिए इसी तरह से मोती जैसा ये डिजाइन बनता चला जाएगा। फिर इसके बाद से ये फिरोजी कलर से पांच सिलाई बनाने के बाद से फिर ये ब्लैक वाला और फिरोजी वाला एक 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 ही फंदा ऐसे बुन लिया जाएगा। बहुत सुंदर लगता है आसनी में, ये थोड़ा सा बदल दिए हैं, एक तो हम बनाए हैं इस तरह से, देखिए इधर उल्टा बना के बंद कर दिए हैं इसको। इसी तरह से इसको कई कलर का ऊन लगाने में बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी बैठिए बचे खुचे ऊन से ऐसे आसनी बना लीजिए। जब ये मेरा आसनी बन के तैयार हो जाएगा तो ब्लैक कलर की पट्टी हम डाल के बुन लेंगे। अब उसके बाद से इसको इसमें सिल देंगे सुई की सहायता से, जब ये इतना बड़ा बैठने के लिए बहुत पर्याप्त होता है। फिर इसके बाद से आपके पास डबल बेड का चद्दर हो, मोटा कपड़ा हो, उसको देखिए इधर पीछे से इसको सिल दिया गया है, इसमें पूरा ये लगा के ऐसे सिल दिया गया है। ये देखिए ये मोटा हो गया काफ़ी, ये अच्छा लग रहा है, मोटा आसनी है और पूजा के समय मैं इसी पर बैठ के पूजा करती हूँ। अब बहुत ही ऊन का आसनी तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए मैं आज आप लोगों को ये आसनी बनाने का तरीका बताई हूँ। आप बचे खुचे ऊन से भी बना सकते हैं और पुराने ऊन को खोल के स्वेटर बच्चों का डबल करके उससे भी आप बना सकते हैं। सिलाई आपको मोटा लेना, देखिए सात नंबर की सिलाई से बहुत जल्दी जल्दी बनता है। आज इसको बहुत गफ नहीं बनाना है, इसको थोड़ा खखरा ही रहेगा तो मुलायम होगा ये आसनी, बैठने में भी आरामदेह बहुत होता है। देखिए पूरा हम ये हम इतना डाल दिए हैं, पूरा ये हमारा इसके बराबर कवर कर लिया है, इसके बराबर हो गया है। ये आपको आज हम आसनी बनाने का तरीका बताए हैं। चलिए मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके बाद से कमेंट करिए।